ब्रह्म ऋषि श्री देवराज संघ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ मंगल प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में दो बार आता है, एक बार शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में महादेव की पूजा की जाती है और यह व्रत उपवासक को बंधनों से मुक्त कराने वाला और उन्हें शिव धाम ले जाने वाला होता है। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहा जाता है। मंगल प्रदोष विशेषतः रोगों से मुक्ति एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। यहाँ पर एक बात और, आप में से जो लोग प्रदोष व्रत का महात्म्य, पूजन विधि तथा उद्यापन विधि जानना चाहते हैं, वे हमारे चैनल के पुराने वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी, उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु के रूप में हनुमान जी ने उससे 3 बार प्रतिज्ञा कराई और उसके बाद कहा, जा अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाइए आप। परंतु जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर गई। हनुमान जी तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वृद्धा को आशीर्वाद दिया। यह थी मंगल प्रदोष व्रत की कथा। नमो नारायण।